अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रोटी से कुछ अलग नाश्ता। इसके लिए हमने लिए है 4 रोटियां और 1 प्याज, 4 हरी मिर्च कटी हुई, कड़ी पत्ता और धनिया। अब आगे बताते हैं इसका क्या करना है। ये देखिए, अब हमने रोटी को इस तरह से तोड़ लिया है। अब हमने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया। 3 से 4 टेबल हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून राई। और साथ ही साथ डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा। अब हमारा जीरा पक चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च 40 ग्राम। हम डालेंगे कड़ी पत्ता। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो डालिए, अगर नहीं हो तो स्किप कीजिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। नमक डालेंगे तो टमाटर थोड़ा जल्दी पकेगा, इसलिए हम पहले नमक डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे रोटी को, जो रोटी के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने रोटियों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 बाल्टी पानी। इसको अच्छे से हम पकने देंगे। अब इसको हम ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसका हम प्लेट निकाल देंगे। ये देखिए, अब हमारी रोटी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अब हमारी नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। ये है इसका फाइनल लुक। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।